आप सभी का फिर से एक बार मुराड़े एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनालिटी 4.4 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पर्सनालिटी 4.3 के बारे में, हम वो कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मुराड़े अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो स्टार्ट करते हैं आज पर्सनालिटी 4.4। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखो किसने बोला है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, 4.3 में ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप बेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है और मूल अस्तित्व में कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। ठीक है, यदि मूल अस्तित्व में होंगे तो हम उनमें मूल भी याद करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू। यहाँ पर मूल मतलब है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू डिफाइन होगी या नहीं होगी तो ये मूलों की प्रकृति और ये मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। 2x² - 3x + 5, तो पहला क्वेश्चन है 2x² पहले क्वेश्चन का पहला है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये हमारा है इक्वेशन। ठीक है, अब हमको आप सभी को एक जानकारी बता दूं, जैसा कि हमने पिछले पहले वीडियो में बताया था कि मूलों की प्रकृति या मूलों का अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो ए बी और सी ये एक अचर होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स गुणांक बी और ये सी एक अचर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हमको b² - 4ac हमें b² - 4ac यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाए, यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक वे बराबर होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक वे बराबर होते हैं। जब हमने श्री द्राचार्य विधि पढ़ी थी तब इसके बारे में बात किया था। अब यदि मान लो b² - 4ac का मान लो 0 से बड़ा है तो भी मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब यदि मान लो b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक मतलब रियल नहीं होंगे, और मूल अवास्तविक होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा। मतलब जो इनका जो
हल तो होगा, बट जो जो भी मूल आएंगे वो एक इमेजिनरी नंबर आएंगे, काल्पनिक नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखो ये तीन कंडीशन आपको फॉलो करनी है। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होंगे वह बराबर होंगे, मतलब समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन जो उनके मूल हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, किस प्रकार होंगे वो हम इन क्वेश्चन के द्वारा हम जान लेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल अवास्तविक व इनके जो हल होंगे वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, मतलब इनको हमें सॉल्व भी नहीं करना है। यदि हमें दिया गया नहीं, यदि मूलों का अस्तित्व है तो ही ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ऐसे दो यदि दो ये दो कंडीशन ऊपर की दो कंडीशन आती है तो ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जान लेते हैं, हम सभी को पता है कि यहाँ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर, आप सभी को इस इक्वेशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं, इससे ए आ जाएगा दो। दोनों कंपेरिजन करो, देखो ए की जगह यहाँ पर कितना है 2, बी की जगह कितना है -3, सी की जगह कितना है 5। तो इस प्रकार हमने ए बी और सी के मान निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो अब ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, 4 ए, ए मतलब 2, सी 5 हो गया, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 × 2 8, 8 × 5 = 40, तो ये आ रहा है -31। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना आ रहा है -31, जो कि क्या है 0 से छोटा। तो मूल क्या होंगे, तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या है 0 से छोटा है, तो मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे होंगे वह इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, मूल अवास्तविक होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं रोक देंगे और ये लिख देंगे कि देयर आर, मतलब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, इस जो समीकरण दिया गया है उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x² -4√3x + 4 = 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही बी स्क्वायर माइनस इस समीकरण के साथ ax² + bx + c = 0 के साथ कंपैरिजन करने पर ए का मान आ जाता है यहाँ से 3, बी का मान आ जाता है -4√3 और सी का मान आ जाता है 4। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा बी स्क्वायर कितना है 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जाएगा -4, ए कितना है 3, सी कितना है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 16 × 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से जो मान आता है वो हमारा आता है 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना है 0 के बराबर है, कितना है 0 के बराबर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान
जीरो के बराबर है, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे वह क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे वह बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। हमने तो पहले से ये जांच लिया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो के बराबर है, तो मूल वास्तविक होंगे वह बराबर होंगे, मतलब इनका अस्तित्व संभव है। अब इस इक्वेशन के द्वारा हमको ये पता करना है कि उनके मूलों का मान क्या है। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यूज क्या है। तो ठीक है, आप सभी को पता होगा श्रीधराचार्य विधि के द्वारा एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट में बटे टू ए। अब यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये तो हो गया जीरो, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो हो जाएगी जीरो, तो ये बचेगा माइनस बी टू ए, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन टू ए आएगी। तो एक्स यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, -4√3। तो माइनस तो ऑलरेडी चिन्ह में है, मतलब जो फॉर्मूला हुआ था उसमें है, तो और ये हो जाएगा -4√3। ठीक है, बटे दो, ए का मान कितना है 3, ये हो जाएगा +4√3 बटे 6। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 3 से, तो ये कट जाएगा √3 बार, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है कि जो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 2√3। मतलब अब दोनों देखो, अब ये तो एक रूट है, तो हमने बोला था कि दोनों जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, तो एक एक्स की वैल्यू तो ये होगी और दूसरी भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2√3। मतलब दोनों की जो दोनों वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2√3, 2√3, 2√3। जो एक्स की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 2√3, 2√3। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ये क्वेश्चन जो आंसर था वो समझ में नहीं आया, तो कृपया एक बार वीडियो फिर से देख लें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3 = 0। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, 2x² -6x+3 = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो क्या निकालना हमको, yAx² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। ए का मान आ जाएगा दो, बी का मान आ जाएगा -6 और सी का मान आ जाएगा +3। आई होप आप सभी को ए बी सी के मान तो निकालना आ ही चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं b² - 4ac का मान। b² - 4ac का मान, बी स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 4 × 2 8, 8 × 3 = 24, तो इसका मान आ जाता है कितना 12। तो b² - 4ac का मान आ जाता है हमारे पास कितना 12। अब देखो, अब क्या करना है,
इस इक्वेशन को, मतलब इसके जो मूल होंगे, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें तो मूल वास्तविक और बराबर आए थे, लेकिन इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो भिन्न भिन्न आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो जो समीकरण है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो देखो अब इसके या तो गुणनखंड विधि से करें या हम श्रीधराचार्य विधि लगाकर भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब तो या तो गुणनखंड विधि लगा लीजिए या श्रीधराचार्य विधि के द्वारा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि सिंपल रहेगी क्योंकि हमने b² - 4ac का मान निकाल लिया है। तो x बराबर क्या होता है श्रीधराचार्य विधि में, -b + √ b² - 4ac √2a। अब देखो यहाँ पर b² - 4ac का मान कितना है, x = -b + √ b² - 4ac का मान √12। अब यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू रखते हैं, माइनस बी कितना है, माइनस बी देखो माइनस तो चिन्ह में है पहले, और ये -6 + -√12। √12 का कोई भी नहीं होता, मतलब जो भी वैल्यू आती है √12 की थोड़ी ना आती है। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर थोड़े ना होता √12 कोई किसी का, तो ये हो जाता है 2। अरे ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा -6 + -। अब देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, √12 को 4 × 3 अंदर बटे 4। अब ये देखो यहाँ से 6, अब +- 4 का रूट कितना होता है, 2 √3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल लेते हैं हम एक्स की वैल्यू। अब देखो यहाँ से या तो दो कॉमन, देखो दो वैल्यूज आई है हमारे पास, एक तो एक्स बराबर, यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 + √3/2। ठीक है, +- तो यहाँ पर एक तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 + √3/2, और एक आ जाएगी हमारे पास 3 - √3/2। इस प्रकार हमने दोनों मूल प्राप्त कर लिए हैं, एक तो आ जाएगी 3 + √3/2 और एक आ जाएगी 3 - √3/2। ठीक है, इस प्रकार हमने बी श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हमने एक्स की वैल्यूज प्राप्त कर ली है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पिछले जो मतलब वीडियो को पीछा करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू पेज पर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी हो। कि लंबाई मान लो एक्स है और जो चौड़ाई है वो 2x है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मान लो चौड़ाई वाई है, एक्स बराबर 2y है, और उसका क्षेत्रफल 800 m² है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
इसमें पूछा है कि एक आम का बगीचा है, बनाना क्या संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर आ जाए, 800 मीटर स्क्वायर आ जाए, क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले एक बार। ओ सॉरी, ये तो तीसरा क्वेश्चन है, पहले हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसने अब देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू डिफाइन किसकी करनी है, के की। ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, मतलब इसने क्या कंडीशन दी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 के बराबर दे दिया है। अब आप इससे हम बहुत ही आसानी से इन के की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और इक्वेशन हमें नीचे दी गई है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला है 2x स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये है, अब देखो अब यहां से क्या करते हैं, हमको ज्ञात करना है कि यहां पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है। पहले तो आप सभी को वो पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से हम a की, b की और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो हमें क्या बताया गया है कि इनके मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर होने की क्या कंडीशन होती है, तो मूल बराबर होने की कंडीशन होती है b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर का मान, मतलब k² - 4a² + c (3) = 0, यहाँ से आ जाएगा k² बराबर, देखो 4 × 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, अभी -24 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ±√24। अब रूट प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार कोई कंडीशन होती है, जैसे 25 होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता ±√25, क्योंकि प्लस माइनस में जाता है जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है। तो ठीक है, इस पर यहाँ से वैल्यू जाएगी हमारी ±5, और ये दोनों मान है उस समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं। देखो -5 डाल के देखो तो -5 का स्क्वायर 25 आता है, +5 डाल कर देखो तो उसका भी 25 आता है। तो मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज प्राप्त होती हैं, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के लिए तो दो वैल्यूज प्राप्त होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, √24 + -। अब इसको √24 को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, तो ये हो जाएगा 2√6, ठीक है। ये भी आ सकता है हमारा जो मान होगा, शायद आप सभी को 2√6, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, मतलब जो दोनों को सिंप्लीफाई करने पर कोई भी एक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये तो क्वेश्चन हो गया इस प्रकार, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, जो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, kx × x - 2 + 6 =
बराबर 0। पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को मतलब यहाँ से क्या है कि इस एक पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ पर पहले से एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। क्या? द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली अब देखो यहाँ से क्या करना है, वही द्विघात समीकरण क्या होती है, AX² + BX + C = 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बी की वैल्यू -2K, सी की वैल्यू 6। समीकरण में किस में रखना है, B² - 4AC = 0 में, क्योंकि हमें दिया गया है कि मूल बराबर है। तो अब यहाँ पर B² हो जाएगा -2K² -4, A का मान कितना है K, C का मान कितना है 6 = 0। तो ये जाएगा 4K² - 24K = 0। अब यहाँ से देखो 4 तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर K² माइनस कितना, ये बचेगा 6K = 0। अब यहाँ से हम K भी कॉमन ले लेते हैं, K कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास K - 6 = 0। तो एक तो K की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0, और एक यहाँ से K की वैल्यू आ जाती है -K - 6 = 0, के तो K आ जाएगा K = 6। हमारे पास यहाँ से K की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो K = 0 और एक K = 6, ठीक है। इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।